What's up guys, this is Naveen और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 17 की कुछ टॉप 3 थीम्स के बारे में, जिसके अंदर आपको स्टैंडबाय मोड, डेप्टिफाइड, AOD मोड जैसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे होते हैं, यार सब्सक्राइब करो कि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थीम जिसका नाम है बैलुक बुक, सिंपल इसको डाउनलोड मारने एंड अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। नीचे में आपको एक डॉग बार भी देखने को मिल जाता है एंड ऊपर हमें यहाँ पे इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल विजेट है। एंड उसके ऊपर मिलता है हमें डायनेमिक आइलैंड, जब भी हम कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। बाकी जो इसकी वॉलपेपर है ये भी काफी ज्यादा ऑसम वॉलपेपर है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। इसके जो टॉगल्स वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। जो इसके आइकन वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाते हैं। पर दोस्तों जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं तो इसका जो UI है वो आपको यहाँ पे वर्टिकली देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस थीम का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर हमें यहाँ पे एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, जब भी हम कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करते हैं तो उस टाइम यहाँ पर वो एक्टिवेट हो जाता है। बाकी अगर आप यहाँ से स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ से स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे जो इसका AOD मोड है वो भी आपको एक्टिवेट हो जाता है। एंड दोस्तों इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये विजेट देखने को मिल जाते हैं, जिसको मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर रखा है। बाद में आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे नीचे में आपको एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे दो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर आप इस पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना है एंड आप देख सकते हैं हमें काफी सारे जो फीचर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक और सेक्शन देखने को मिल जाता है विजेट का, जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। बाकी अगर आपका मन करे इसको शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। बाकी नीचे में भी आपको यहाँ पे काफी सारी जो वॉलपेपर है वो देखने को मिल जाती है एंड ये जो वॉलपेपर है वो काफी ज्यादा ऑसम एंड हॉट वॉलपेपर है। इसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक इंसर्ट वॉलपेपर में जाकर डेप्थ वॉलपेपर वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम की। हमारी सेकंड थीम जिसका नाम है किंग की लावन, सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। ऊपर यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जिनको आप बॉटम में डबल टैप करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एंड ये दोस्तों दोनों में ही वर्क करता है। पर दोस्तों इन विजेट की एक और खास बात है कि जब भी आप यहाँ से कॉर्नर से टैप करते हैं तो ये विजेट आपको यहाँ पे एक्सपेंड हो जाती है। बाकी आप इसकी एनिमेशन देख सकते हो, हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनिमेशन इसकी देखने को मिल जाती है। एंड कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है एंड इसके जो टॉगल्स वगैरह ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड ये भी आपको यहाँ पे ब्लरी इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लगता है। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाती है। जो इसके आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे पहली वाली थीम के जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर एंड इसके जो कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हो आप तो इसका जो UI है ये भी आपको यहाँ पे वर्टिकली देखने को मिल जाता है। बाकी इस थीम का जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है। बाकी आप देख सकते हैं जो इसका इफेक्ट है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे हमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है एंड स्वाइप डाउन करके तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाई मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे लॉक स्टाइल के साथ आता है। आप यहाँ से स्क्रीन पर डबल टैप करते हो तो यहाँ पे आपका जो AOD मोड है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। बट दोस्तों इसमें आपको एक जेस्चर इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का ये इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो इसका इफेक्ट है एंड ये विजिट देख रहे हैं ये सब मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर रखा है। बाद में आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे मिलता है हमें एक फोकस मोड एंड दो शॉर्टकट्स। एंड अगर आप यहाँ से पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना है एंड आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफी सारे जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे वॉलपेपर में एक और सेक्शन देखने को मिल जाता है iOS वॉलपेपर, जो कि अभी मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है। बट दोस्तों जब आप यहाँ से इसको ऑफ कर दोगे तो इसमें आपको यहाँ पे और भी ज्यादा वॉलपेपर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, जिनको आप दोस्तों यहाँ पे टैप करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ से कॉर्नर से टैप करते हो तो ये जो वॉलपेपर है इनको भी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी फाइनल थीम की। हमारी फाइनल लास्ट
थीम जिसका नाम है इसके डी पाप। आप तो सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई होने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड थोड़े से लार्ज आइकन्स है। बाकी आप बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड अगर आप भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको ईजिली डाउनलोड कर लीजिए। अगर विजेट की बात करेंगे तो विजेट आपको यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आप कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। एंड कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पर डिफॉल्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। पर दोस्तों जब आप यहाँ से सेटिंग को ओपन करते हैं तो सेटिंग का जो UI है ये भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों जब आप यहाँ से डिस्प्ले एंड डार्क मोड को इनेबल करते हैं तो इसका UI है वो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स है ये आपको यहाँ पर कम्प्लीटली iOS वाले देखने को मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं जो इसका लुक है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। जो इसके दोस्तों टॉगल्स वगैरह है ये भी आपको यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो इसका UI है ये भी आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिल जाता है। एंड इसी तरीके से जब आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं तो इसका UI भी आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिल जाता है। अगर इसके लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे डिफॉल्ट देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। पता नहीं दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी कोई नई थीम आ रही है उसके जो लॉक स्क्रीन है उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, बाकी आपको डिफॉल्ट ही लॉक स्क्रीन पकड़ा दी जा रही है। तो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को यार कस्टमाइज कर सके। एंड दोस्तों इन थीम को यूज़ करके आप एक सेटअप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर थीम में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप एक सुपर iOS 17 का एक सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।